मम्मी का शॉर्ट एंड स्वीट. नहीं मुझे पता है इनको बाइट प्रॉपर चाहिए. नहीं मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. हर बार मैंने अभी जैसे स्टेज पे भी कहा कि हर बार क्या होता है कि मेरा अवार्ड होता है और मॉम मेरे साथ आती है, तो आज मदर्स डे की गिफ्ट में आप ये भी समझ सकते हैं कि मॉम का अवार्ड है और मैं उनके साथ आया हूँ उन्हें सपोर्ट करने. और मैं सचमुच जो भी कर पाता हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी मॉम का, आई थिंक सभी के लिए होता है. और सबको अपनी मॉम बेस्ट लगती है और मुझे भी अपनी मॉम सबसे बेस्ट लगती है. तो हैप्पी मदर्स डे. और मैं हर जन्म में चाहूँगा कि मुझे इनके जैसी मॉम मिले. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. काफ़ी गर्व हो रहा है कि आज मॉम को अवार्ड मिल रहा है. एक्चुअली मेरी मॉम सुपर मॉम है. एक्चुअली मैं सुपर मॉम है मेरी मॉम. सो मेरे डैड के जाने के बाद मॉम ने सब कुछ संभाल लिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुपर मॉम के अवार्ड के साथ. थैंक यू मेन फैक्ट्री कुणाल ठक्कर जी फॉर दिस अवार्ड. और हमारे लिए सुबह से खड़े हो आप, थैंक यू वेरी मच. और हमारे हर इवेंट पे आप आते हो. संडे के दिन इतना बड़ा दिन छोड़ के आप अपनी नींद खराब करके आए हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. अब दिस वॉज अ सुपर मॉम अवार्ड्स विच वी हैव जस्ट फिनिश्ड टुडे. सुपर मॉम में आज मदर्स डे है, तो जो मदर्स होती है हर किसी कलाकार या हर किसी प्रोफेशनल को जब वो जो आगे बढ़ता है उसको बढ़ाने के पीछे उसकी मेहनत के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लोग भूल जाते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी मॉम, जो उनकी मदर है, जो सबसे ज़्यादा रोल करती है उसको हम फेलिसिट कर रहे हैं यहाँ पे आज मदर्स डे के दिन. सो ये बहुत बड़ा दिन है जिसके दिन हम मदर्स डे को फेलिसिट करते हैं. ये हर साल हम मदर्स डे के दिन वी लुक फॉर ऑल मदर्स वेर वी कैन फेलिसिट देम. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू हैप्पी मदर्स डे. This is the Happy Mother's Day to all of you guys. Thank you. Hi. Now this is one show which is already over. Ab dusra chalu hone wala hai hamara. Bold and Beautiful India 2023. This is season 1. इसमें हमारे पास ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें मिस कैटेगरीज टीन और किड्स भी है और मिसेस कैटेगरी भी है. सो अब ये चालू होने वाला दो राउंड्स है. फाइनलिस्ट लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अब उनका क्राउनिंग भी होगा आज. प्लस वी हैव बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवार्ड्स जहाँ पे गुड लुकिंग एक्ट्रेसेस फिटनेस और जो जो नया अपने आप को बॉलीवुड में कुछ कर रहे हैं या कुछ जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स में जो पार्ट ले चुके हैं और जो विनर भी हो चुके हैं लाइक अवर जजेस. हमारे एक जज इज ऑलरेडी विथ अस. शी इज अ फेमिना मिस इंडिया विनर. और हम एज अ इवेंट्स फैक्ट्री वी कीप मल्टीपल डिफरेंट इवेंट्स जिस इवेंट्स में हम कुछ अलग टैलेंट या अलग अवार्ड लाते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा कर सके और कुछ लोगों को फेलिसिट कर सके, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सके और वो हमारे हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे के उनको आगे बढ़ा रहे हैं. और अभी इस इवेंट में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में एक ब्यूटीफुल अच्छा सा इवेंट हो रहा है जिसमें मिसेस
और किड्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं. अब उनका फाइनल राउंड है, जो फाइनल जो सिलेक्ट हुआ है, और आज बहुत ब्यूटीफुल जो भी होगा, जो टैलेंटेड होगा, वो क्राउन ले जाएगा. Exactly. और प्लस जो गुड लुकिंग के अलावा जो हार्ड वर्क कर रहा है, जिसने कुछ किया है लाइफ में, एक्टिंग में, ग्लैमर वर्ल्ड में, किसी और चीज़ में, उनको हम फेलिसिटी करके अवार्ड्स भी दे रहे हैं. That's it, and wish you a very happy Sunday, happy Mother's Day, and bold and beautiful. Stay connected. Perfect. So I'm Akshita Agnihotri, as my friend Kunal has mentioned it to you. I'm a ramp walk trainer and a grooming partner with Bold and Beautiful pageant. So I've been training these beautiful talent which has come in as contestants. So they have showed a tremendous improvement since the day one and today, and I'm hoping and wishing them all the luck and love in this world so that they can go out from the pageant and conquer this world. And I'm really looking forward for who actually takes the crown back home, because pageants are one thing. When you know you go into the pageant, it changes you as a person for lifetime. So it's their lifetime experience. They're gonna have it tonight on the runway. I wish them all the best, and thank you all of you beautiful people here for coming here and recording and making sure and covering the entire event. Much love to you. उसके लिए मदर्स डे स्पेशल है, तो आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी मदर्स डे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ ऑल द मीडिया. आप सभी अपने मदर्स को छोड़ के यहाँ पे आए और हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अवार्ड रखे हैं, अलग अलग नॉमिनेशन हुए हैं, एंड देन वी हैव अ एक्सक्लूसिव वॉक विद साहिल प्रेशी डिजाइनर विद एडिंग विद समायरा फैशन हब. तो ये दो हमारे डिजाइनर के साथ एक बहुत अच्छा प्यारा सा वॉक रखने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. और जो कंटेस्टेंट है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंटेस्टेंट वी हैव टुडे मोर देन 50 प्लस मॉडल. ठीक है, सभी प्रोफेशनल्स हैं, कुछ न्यू पेजेंट के हैं जिनको हमने ग्रूम किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 40 प्लस प्रोफेशनल मॉडल एंड सेलिब्रिटीज. वी हैव ट्विंकल मिश्रा शोर ओपर एंड वी हैव हिमांशु मल्होत्रा एज अ शोर ओपर विद वॉकिंग ऑन साइड. कंटेस्टेंट्स हमारे जो है उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट दिखाया है फ्रॉम डे वन टू टुडे. तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने किसी चीज़ को बेबी की तरह नर्चर किया है और उन लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और साहिल ने इतने उम्दा डिज़ाइन अपने शोकेस किए हैं आज. आप कुछ कहना चाहेंगे साहिल, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और थोड़ा सा बताइए आज के एक्सपीरियंस के बारे में. हेलो एवरीवन, आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था. लोगों ने काफ़ी मेहनत की है शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए. मैं इस बार बहुत अच्छी कलेक्शन लेके आई हूँ, जो कि एथनिक वेयर 2023 में आने वाली है मेरी न्यू कलेक्शन लॉन्च. बहुत अच्छा लगा सबके साथ करके. मैं विश करना चाहता हूँ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड मॉडल्स को बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे. हैप्पी मदर्स डे. जो फ्री ट्यूशन, जो बच्चा लोग को फ्री ट्यूशन जिसको हो सकता है वो करे, और मेरे साथ में मेरे बच्चे लोग को भी पढ़ाई. अभी सब जो पढ़े हैं मेरे पास, सब लोग बड़े बड़े पोजीशन में हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड. थैंक गॉड. That's my supermom. बहुत बढ़िया लग रहा है. मैं तो कहना चाहता हूँ कि भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ, कि मेरे पास शब्द नहीं है. इतनी सुंदर सुंदर महिलाओं को देखे, सिर्फ मेरी भावनाओं को समझो. और रहा सवाल हमेशा हमारे शो में आने का, ये पूरा ग्रुप ही मेरा घर जैसा है. और घर से याद आया, अभी OTT प्लेटफॉर्म पर हमारी फिल्म आ रही है गाली गलौज. आप लोग दुआ कीजिए, थोड़ा लेट लेट होती जा रही है, लेकिन अब इस मई और जून के बीच में ही आ जाएगी फिल्म गाली गलौज. फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, कॉमेडी फिल्म है. ज़रूर देखिएगा, स्टैंड अप कॉमेडी और फिल्म है. थैंक यू. दवाई सवाल में करोड़पति बन गया. थैंक यू.
आपके मदर को क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन कितना स्पेशल है आप दोनों के लिए? मैंने इनको बताया नहीं है कि अवार्ड इनके लिए है, तो ये अवार्ड आपके लिए है, आपको मिलने वाला है, तो ये सरप्राइज है इनके लिए, अभी पता चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज स्पेसिफिकली जो मॉम्स होती हैं वो बहुत कुछ करती हैं अपने बच्चों के लिए, और उनको रिकग्नाइज करना, उनको रिकग्निशन देना वो बहुत बड़ी बात होती है स्पेसिफिकली ऑन मदर्स डे। सो आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर। मैम आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये आज आपका दिन है, वैसे तो माँ का हर दिन है लेकिन आज का स्पेसिफिक मैं जानना चाहूँगा कि मानिया ने जो इतने अच्छे अच्छे लोगों को मिले हैं और बहुत प्राउड फील कराया है एज अ मदर, आपको क्या कहना चाहेंगे मैम आज के दिन पे मानिया के बारे में अगर कुछ कहना चाहे? उसके लिए कुछ लगती नहीं है, हर माँ ऐसे मान्या पैदा करे हर बेटी अपनी माँ का नाम रोशन करे। और आज के अवार्ड का जो सरप्राइज दिया है मान्या ने उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना ही किया है, इनको नहीं पता था, इनको लगा था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, तो शी वाज वेरी हैप्पी और रेडी होके आई, बट फाइनली शी गॉट टू नो। मेरा प्लान था कि स्टेज में बताऊंगी, बट यू गाइस आस्क मी राइट नाउ तो ठीक है बताना पड़ा, बट आपको मिल रहा है अवार्ड। और कितना कितना इमोशनल मोमेंट है मदर, आपको तो बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले लेकिन मदर को आज अवार्ड मिल रहा है, आप कितने इमोशनल है इस बात को लेकर? मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ खुश भी हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत किए, सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं, आज भी वो करती है उतनी मेहनत करती है जितना मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी करना रहता तो मैं पहला लोग अपनी मम्मी को देखती हूँ और फिर बोलती हूँ अगर इफ शी कैन डू इट व्हाई कांट आई, तो ये मेरी इंस्पिरेशन है और आज उनको एक अवार्ड मिला है मेरे सामने, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इमोशनल जब इंसान होता है तो ओवरवेलमिंग भी होता है, तो आई कांट एक्सप्रेस, बट आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड स्पेसिफिकली आई कांट वेट टू सी दैट अवार्ड इन हर हैंड, उनके हाथ में देखना है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। So beautiful to come all the way far from Italy tonight to get this beautiful award of Bollywood Opera, because I'm the creator of pioneer of this beautiful genre that I got inspired in India itself. So I'm so happy to be in this beautiful landscape of India, and I'm very spiritually connected to India because I'm very close to Indian spirituality, and that's inspired me a lot to create this genre here. So this event has been very lovely, and I thank all the beautiful Indian hall for such a beautiful welcome to this Italian person with an Indian heart. मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी सारी मदर्स को विश यू हैप्पी मदर्स डे, जितनी भी मदर्स हैं, और ये कहना चाहूँगी कि हर एक मदर जो है सिर्फ वो एक ही बार अवार्ड नहीं लेती है, वो बार बार अवार्ड लेती है, हर एक पल अवार्ड लेती है, जब बच्चे हंसते हैं तब वो एक एक क्षण वो अवार्ड लेती है, तो इसके लिए मेरे लिए ज़ोरदार तालियां तो बनती है ना। ओके एंड मेरी जो डॉटर है मेघा कौर, आप सभी जानते हैं सी इज़ ए बिग एक्टर, वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड से, वो यहाँ पर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बट काफ़ी अच्छा लगता है जब अवार्ड शो होता है कुछ, और बहुत ही मज़ा आता है, और मुझे भी आज सुपर मॉम का अवार्ड मिला, सुपर वुमेन सुपर मॉम। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज माँ का दिन है, आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? यस। तो अंडमान से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही और क्या कहना चाहेंगे? अंडमान निकोबार आइलैंड इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ से पहला बात तो सोचना कि हम यहाँ पर आए और कुछ करें, तो ये एक बहुत ही मतलब प्राउड फील वाली बात है, क्योंकि अंडमान वालों को सारों को ही प्राउड फील है कि फिर भी लेकिन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और आगे भी बढ़ते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। It feels really amazing, and I am absolutely surprised because I have never thought of myself as a super mom. You see, being a mother comes instinctively, and each mother does her best. So I am really, really delighted that I am thought of as a super mom. Thank you, thank you, thank you to everyone who thought so. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
ये रेनू जी हैं अंडमान इकोवार से और बहुत अच्छी नाइस पर्सन लेडीज हैं। इनकी पीटी के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है और आगे भी बहुत स्ट्रगल कर रही है। आज जो मदर डे का इनको मुबारकबाद मिली है और ये अवार्ड मिला है, ये इनके लिए इनका हक है और इनको ये मिलना ही चाहिए था और सब माओं को मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ माँ जिसके लिए है और माँ से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में, और ये वो करती हैं। और इनके लिए बहुत अच्छी संस्कार ये है कि इन्होंने अपने हस्बैंड के अलावा, हस्बैंड ना होने के कारण भी इन्होंने अपनी बेटी को सक्सेस किया और आज उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हर लेडीज़ के लिए ये हौसला और ये उपजाई होनी चाहिए कि अपने बेटे, अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को कामयाब बनाए। मैम, मेघा जी इतना प्राउड फील करा रही है, क्या कहना चाहेंगे मेघा के बारे में और किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है आज? मदर्स डे भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेघा के लिए एक ही शब्द कहूँगी, जब मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटी एज में थी तभी मैं सिंगल से ही अपना सारे काम मैं करते आ रही हूँ, तो उसने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। अगर बच्चा माँ को सपोर्ट ना करे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ एक अगला सपना देख सकती है। तो मेरी बेटी के लिए मुझे इतना प्राउड फील है आज भी कि वो हर वक्त मेरा साथ देती है, अगर कुछ कम भी है तो एडजस्ट कर लेती है और अगर नहीं भी है तब भी एडजस्ट कर लेती है। बट बाबा जी की, मुंबा देवी माता रानी की कृपा से अभी तो थोड़ा उनको अच्छा म्यूजिक एल्बम्स, डांस रियलिटी शो, सीरियल्स, वेब सीरीज़ मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, कर भी रही है। काफ़ी सारे रामजी गुलाटी, अमन प्रजापति के साथ में काम किया है, आप सभी जानते हैं। और इसके लिए मैं एक अपने बच्चे को भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि उसने भी बराबर माँ का सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, अभी ज़रूर एक नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम आने वाला है और उसके लिए शायद अभी हम लोग, शायद नहीं मतलब 100% है, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड में वो शूट रहेगा, लेकिन वो शूट कौन डायरेक्ट कर रहे हैं वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। तो अभी नेक्स्ट उनका म्यूजिक एल्बम का ही शूट रहेगा। ओके मैम, और कुछ कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं और जो मेगा के फैंस हैं उनके लिए? और फैंस तो इतने अच्छे हैं और मैं मीडिया को सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी, सारे ही मीडिया को, कि अगर ये नहीं होती तो हम आगे जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स और सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते, क्योंकि हम एक मीडिया से ही बता पाते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी मैं जगह से हूँ तो वहाँ मैं शुरू से ही सोशल एक्टिविटीज़ में करते आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या कैसे काम होता है। तो मुंबई में भी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली और मुंबई के वासी एकदम अमेजिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मुंबई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे जैसे उमल का जो अवार्ड मिला है, थैंक्स टू द एंटरटेनमेंट एंड आई एम फ्रॉम अंडमान निकोबार आल्सो एंड माय सन इज आल्सो हियर एज ए एक्टर, इज वर्किंग अनुशील चक्रवर्ती एज अ वीडियो एल्बम इज देयर आल्सो एंड वन मूवी आई एम प्रोड्यूसिंग वन मूवी आल्सो दिस ईयर दैट लव यू जिंदगी एंड माय सन इज द एक्टर इन दैट मूवी व्हेन इट विल बी रिलीजिंग एंड एंड ऑफ दिस ईयर I think so, September, October, it will be releasing. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. करना चाहूँगा मेरे प्यारे मित्र कुणाल और पूरी टीम को जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया, इस लायक समझा। वक्त जानो, लेकिन सर ये ऐसे हो सालो, मॉम का अवार्ड डैड सुपर मॉम का अवार्ड डैड को मिला है। सुपर मॉम के आशीर्वाद से मुझे मिला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों कौम सदा आगे बढ़ेगी क्योंकि उनके साथ है उनकी मॉम। बाकी पत्नी को कहना चाहूँगा और पति को कहना चाहूँगा, पत्नी बिचारी है द केरला स्टोरी और पति बिचारा है द कश्मीर फाइल। कर्नाटक जो जीता है, मैं इसको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे वोटर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने इतनी पदयात्रा की कि कर्नाटक ने जो है उनको जिता दिया। तो हमेशा वॉक किया करो, वॉक से फायदा होता है। देखिए भैया, बीजेपी को टाटा, धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। और मुझे भी जी कर्नाटक में जीत, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है और बहन भी है, इसलिए बीजेपी की माँ और बहन का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। मत रहो, अगले साल मैं आपको पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको और इस अवार्ड फंक्शन को और मातृत्व दिवस को शुभकामनाएं। मान्यवर और मान्य वधु, आप माता के आशीर्वाद से बादशाह बनिए, शहंशाह बनिए, मैं तो कहता हूँ हमेशा बनिए। धन्यवाद। थैंक यू।
आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे. इट्स अ प्राउड मोमेंट बिकॉज आज इतने ऑस्पिशियस डे पे हमें इतना ब्यूटीफुल अवार्ड मिला है. एंड इट्स नॉट ईजी टू प्ले द रोल ऑफ मदर. मदर्स एक माँ एक ऐसा शब्द है कि जो अपने आप में भरपूर है और पूरी दुनिया है बच्चों के लिए. एंड मैं सिंगल पेरेंट हूँ. मेरे दो बच्चे हैं अनन्या एंड गणन्या. दे आर 25 एंड 24 ईयर ओल्ड. तो मुझे पता है कि इट वॉज नॉट ईजी टू ग्रो देम अलोन. बट आज इतने प्यारे दिन में इतना प्यारा अवार्ड मिलना. आई वुड लाइक टू से थैंक यू होल हार्टेडली टू कुणाल ठक्कर माई फ्रेंड एंड अनुषा माई फ्रेंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्नॉलेजमेंट. And the anchor Abhinandan, come. So Abhinandan, we love Gurpreet ji. I'm speaking to Gavin for thanks bolne ke liye. She's a sweetheart. She's a gem of a person. Thank you. Thank you. So Abhinandan aur maine PTC Punjabi jab main Miss Punjab judge kar rahi thi, to usme Abhinandan was hosting the show. So bahut hi acha experience tha. Abhinandan is an amazing host. I love you. Thank you so much, ma'am. And I love Gurpreet ji, such a gem. And he's ever green and ever gorgeous. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. ये अवार्ड बहुत ही सुपर है. बहुत हैवी है और मैंने पहली बार इतना बड़ा हैवी वेट अवार्ड देखा है. तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत पावरफुल है. काफ़ी वेट है इसमें. एंड मेरी प्रोड्यूसर मैम है साथ में, विनायका कोहली मैम. एंड उनके साथ मुझे ये अवार्ड मिला है. और भाभी जी घर पर है. हमने हप्पू और भाभी जी के लिए अवार्ड लिया है उन सबके बिहाफ पर, पूरी टीम के बिहाफ पर. सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मैम आप क्या कहेंगी? ये अवार्ड मेरी टीम का है. मेरी टीम की मेहनत से मुझे ये अवार्ड लेने में आई हूँ सिर्फ, लेकिन ये मेरी पूरी टीम का अवार्ड है. एंड कंग्रेचुलेशंस टू भाभी जी घर पे है एंड हप्पू के उल्टन पल्टन. दैट मेक्स मी द सुपर वुमन टुडे. Yes, so it's a super feeling and thank you so much. You guys are really superb. आप हमेशा रहते हैं हम लोगों को इनकरेज करने के लिए. एंड मुझे लगता है ऐसा ऐसे बहुत सारे अवार्ड आपको भी मिलने चाहिए. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कोई नहीं होता है, शुरुआत होती है जीवन की वहाँ पर ही. आपने इतनी सारी मूवीज बनाई हैं, माँ को कैसे देखते हैं आप? क्या सोचते हैं और कैसे उनका क्या व्याचना करेंगे? मेरी पर्सनल लाइफ में माँ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है. ये जो आप देखेंगे मेरी व्हाट आई एम राइटिंग एट द मोमेंट, फर्स्ट फिल्म इज गोइंग टू बी अबाउट द मदर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत तो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? Mother and son. That's an emotional relationship between yes. mother and son. तो आज मदर्स डे है, क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने व्यूअर्स को, अपने? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि never take granted your mother. Never, never, never. ये बहुत बड़ा खजाना है, आशीर्वाद है. वो नसीब वाले हैं जिनके अपनी माँ जिंदा है, जिनके पास माँ है. हमसे पूछिए, हमारी माँ नहीं है, उसकी पहले ही पता है. I feel super fantastic. I am such a lovely daughter's mother. और मेरा होनहार बेटा घर पर म्यूजिक बना रहा है. He is going to come up with a very beautiful numbers on his channel, A Catalepsy. It is always an honor to receive an award. But मैं सबसे पहले सभी माओं को जो मुझे देख रही हैं अलग अलग माध्यम से right now, मैं आरती नागपाल आप सभी माताओं को नमस्कार करती हूँ. एंड आई विश यू एवरी वन एवरी ईच वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग मी हैप्पी मदर्स डे. मैं हर उस औरत को सैल्यूट करती हूँ जिसने एक शक्ति का रूप लेकर बच्चे को जन्म देने का निर्णय किया है और बच्चा बड़ा करना, उनको एजुकेट करना, उनकी ज़िंदगी में उनको संवारना और एक स्टेबल इंसान बनाना सोसाइटी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मेरा बच्चा शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड यस 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 एंड शी विल बी कमिंग सून इन आवर लाइन वेरी सून होपफुली. व्हाट डू यू वांट टू से? Say. Happy Mother's Day. Celebrating you every day. You say here. Now what you want to say about me? About you? Yes. मैं बोलती रहूँगी. बोलते रहिए. बोल बोल. बोले.
बहुत खुशी हूँ कि मेरी मॉम को अवार्ड मिल रहा है, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने सारे लोग और सारी मॉम्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दिस इवेंट इज सो स्वीट एंड सो नाइस एंड एवरीवन दैट्स गोइंग ऑन स्टेज और दैट मोमेंट दैट ऑल द मदर्स आर हैविंग, इट्स सो होलसम एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट माय मॉम हैज गॉटन एन अवार्ड दैट सेज सुपर वुमन बिकॉज इट्स ट्रू. ये है सुपर वुमन. आई लव यू. Thank you, ma'am. Thank you. Day for golden, beautiful, and super mom. So, सबसे पहले happy Mother's Day. And I'm coming up with a new song, Bindi. I'm featuring in one of the music videos sung by singer and composer Sonal Pradhan. And जिसको Pavandeep Rajan ने गाना गाया है वो. He's a very popular Indian Idol singer and in North India. So yes, it's very fun, exciting day and what a great Mother's Day. माँ का आशीर्वाद है कि Mother's Day पे गाना जो है उसका पोस्टर भी आया. कल गाना रिलीज हो रहा है 4 बजे on Zee Music, sung by very pretty voice, pretty lady Sonal Pradhan. So yeah, any questions guys? Sonal, what do you have to say about the song? It's a beautiful romantic number and it's I mean I'm not an actor but Abhinandan has been a very good support in teaching me the acting skills and because of him I could do the acting part in the video. And yes, we look forward to you watching it tomorrow at 4 PM. See you soon. Please share your reviews then. प्लीज़ बताइएगा इस गाने को, बिकॉज ये गाना आई एम श्योर बहुत रोमांटिक है, बहुत चलने वाला है. पवन की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, हमने एक पोस्ट डाला है ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है. सो वी रियली एक्साइटेड एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज. और बाकी आई थिंक व्हाट अ ग्रेट डे ऑन मदर्स डे टू लॉन्च द पोस्टर. सो टुमारो 4 PM ऑन जी म्यूजिक. उसके साथ मेरा शो है सितारे मस्ती पे ऑन मस्ती चैनल, बॉलीवुड टॉक शो, वो देखिए आप मस्ती चैनल पे. एंड दैट्स अबाउट इट. आज मेरी मम्मा भी आई हैं और हमेशा ऐसा होता है अवार्ड फंक्शन में कि सिर्फ हमें अवार्ड मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे मम्मा को भी अवार्ड मिल रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी कि मम्मा की जो मेहनत है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है. एंड आज मम्मा अवार्ड जीतेंगी तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. या थैंक यू फॉर ऑल मीडिया. ये हमारा सेकेंड सीज़न है आरवी एंटरटेनमेंट में. कुछ नया करने का हमने सोचा. लास्ट सीज़न हमने किया था फर्स्ट सीज़न तो सुपर मॉम अवार्ड. चलिए अपन फेलिसिटेट सबको करते हैं. सेलिब्रिटीज सब जगह दिखते हैं, उनके मॉम्स कहीं नहीं दिखते थे, इसलिए हमने बोला उनके मॉम्स को फेलिसिटेट करना है ना. वी आर वेरी हैप्पी कि मदर्स डे पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आप सब मीडिया पर्सन यहाँ पे आए, अवार्डीज एंड सेलिब्रिटीज. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू. एज अ ग्रूमर, फिटनेस ग्रूमिंग का सेशन मैंने यहाँ पे किया है. एंड देन आई एम गोइंग टू बी जूरी ऑल्सो फॉर द कॉन्टेस्ट एंड आई एम गोइंग टू बी द शो ओपनर फॉर समायरास कलेक्शन. इधर कलेक्शन भी बहुत सुंदर है एंड ड्रेसेस, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज बींग डन वेरी ब्यूटिफुली. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत अच्छा शो होने वाला है. आई थिंक कुणाल ने बहुत ज़्यादा, कुणाल एंड टीम हैज़ टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल द शो. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स एंड लेट्स रॉक एंड चिल. थैंक यू. मदर्स डे भी है, क्या क्या विश करना चाहेंगे और कितना इमोशनल है आज जो है मदर का दिन भी और अवार्ड भी जो है सुपर मदर सुपर मॉडल क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों आप सबके बीच में पम्मी मोटन और सबसे पहले तो सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू. और ये अच्छा लगा कि मदर्स डे पे ये सुपर मॉडल शो हो रहा है तो ये बेटर है, ये स्पेशल डे पे ऑर्गेनाइज किया गया है. सबसे पहले कुणाल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, कुणाल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इस इवेंट पे हमें इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान की नारियाँ तरक्की करती रहें. वुमेंस डे दिन प्रतिदिन जैसे ही अगले साल हम आएँ तो वो भी हमारे आसपास के लोग तरक्की करें, तो मैं वही चाहूँगी कि बुलंदियों को छुए हम फीमेल्स. थैंक यू सो मच. Excited to see what's there in this event today. I've attended many events, lekin I'm more and more excited to see what they have to provide, and I'm really excited and looking forward to it.
Also, today's Mother's Day, what type of bonding you share with your mother? My bond with my mom is really close. Like, I share almost everything with her. And I'm really happy that she's here with me today, so we both can have a great time. My upcoming projects are I'm doing two movies and a few web series are coming up too. So yeah, stay tuned for that.